यूएनएचसी का स्थायी सदस्य बने भारत। फ्रांस ने खुले मंच से किया समर्थन। चीन पाक को लगेगी मिर्ची। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर बातचीत हो रही है। फ्रांस ने स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। मैक्रों ने बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त महासभा में कहा, हमारे पास एक सुरक्षा परिषद है जिसे हमें और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य होना चाहिए। बता दें कि वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और यूएस शामिल है। वहीं 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। पिछली बार 2021 से 2022 में संयुक्त राष्ट्र की उच्च परिषद में भारत अस्थायी सदस्य के रूप में बैठा था। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, शांति के लिए ग्लोबल रिफॉर्म जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा था कि जहां एक ओर आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर साइबर सुरक्षा, समुद्री और अंतरिक्ष संघर्ष के नए क्षेत्र बन रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर मैं इस बात पर जोर दूंगा कि वैश्विक कार्यवाही वैश्विक महत्वाकांक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। वैश्विक शांति और विकास के लिए वैश्विक संसाधनों में सुधार आवश्यक है।